शुद्ध देसी किचन पे आप लोग रेसिपी बात बताने जा रहे हैं पानी पूरी का। हरी मिर्च है 4 पीस, छोटा सा टुकड़ा है अदरक का, 3 पीस जो है अपना काली मिर्च ले लेंगे, देखिए सादा नमक और काला नमक, और हल्का छोटा सा टुकड़ा नींबू है, चाट मसाला एंड पानी पूरी मसाला, पुदीना, धनिया पत्ता, ये सब लेके अभी इसको पीसेंगे। अभी देखिए मिक्सी में ये सब सामग्री जो है, अदरक मिर्ची डाल दिए, काली मिर्च डाल दिए इसके अंदर, पुदीना, धनिया पत्ता डाल के अभी 1 लीटर ठंडा पानी थोड़ा ले लीजिएगा, और ठंडे पानी में जो है इसको आप डाल दीजिए। अभी पानी पूरी मसाला जो है इसके अंदर ही डाल दीजिए, चाट मसाला जो आपको दिखाए थे वो इसके अंदर भी डाल, 1.5 स्पून वो लिए थे, ये काला नमक और सादा नमक है, इसको मिक्स कर दीजिए, इसमें डाल दीजिए, अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। ये पानी बन के आपके लिए रेडी है। अभी ये इमली का जो चटनी है तो उसका आपको रेसिपी उसके साथ खाएंगे कैसे मीठा तीखा, तो ये है उसमें मीठा चटनी। इमली को थोड़ा भिगा देंगे, भिगाने के बाद उसको निचोड़ लेंगे अच्छे से पानी मिक्स करके, निचोड़ने के बाद उसमें हल्का सा पेपर पाउडर नाम के लिए और शक्कर 2 चम्मच डालेंगे। अब इसको जो है थोड़ा सा फ्लेवर लाने के लिए हल्का सा लाल मिर्च का उसमें तड़का डाल के, तेल है 1/2 चम्मच तेल है इसमें, नाम के लिए इसमें तेल डाल दिए, तो बॉईल कर लीजिए। तो ये देख लीजिए मीठा चटनी बनके आप लोगों के लिए रेडी है। शुद्ध देसी किचन पे आप लोगों के लिए पानी पूरी बनके रेडी है। पूरा सामग्री आपको लोग रेसिपी दिखा दिए, ये पानी है, ये आलू हल्का सा बॉईल करके उसमें कांदा, अदरक, लहसुन, मिर्ची, थोड़ा सा मसाला डाल देंगे हल्का सा काली पाउडर, और ये बॉईल बटाना है इसके अंदर डाल दीजिए। ये आपको मीठा चटनी का रेसिपी बता दी। अभी इसको इस तरह से थोड़ा फोड़िए, इसके अंदर ऐसे डालेंगे थोड़ा सा मीठा चटनी। ये देखिए पानी पूरी बन के रेडी है। तो शुद्ध देसी किचन पे देखिए आप लोग के लिए सामग्री रेडी है, पानी पूरी चटनी के साथ भी आलू फ्लेवर सब हर चीज आपको बता दिए। और शुद्ध देसी किचन पे जाइए, ऐसे ही तरह तरह के पकवान आपको देखने और सीखने को मिलेगा, और घर पे बनाइए खाइए, और सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट पास कर दीजिए।